दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय है। पिछले दिनों हमने पहले चरण में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो दिल्ली सरकार द्वारा काम किए गए और विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य किए गए उसका हिसाब किताब जनता के सामने आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने में सफलता हासिल की। आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के बाद पूरे दिल्ली के अंदर हर बूथ पर बैठकों के द्वारा जिन लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वॉलेंटरली समय देने के लिए काम करने के लिए जिम्मेदारी ली, ऐसे लोगों की बूथ कमेटियों का गठन का काम पूरा कर लिया गया है। दिल्ली के लोगों के साथ सीधा संवाद के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पूरे दिल्ली के अंदर दिवाली से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमने पदयात्रा सफलतापूर्वक संपन्न किया है। दिवाली के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा का दूसरा चरण इस समय चल रहा है। दिल्ली में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्राओं के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करने के लिए हर बूथ पर जो हमारी कमेटियां बनी हैं उन बूथ स्तर के मंडल स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनका मनोबल और ऊंचा करने के लिए अगले 11 नवंबर से आम आदमी पार्टी जिला पदाधिकारी सम्मेलन शुरू करने जा रही है। 11 तारीख से जो जिला पदाधिकारी सम्मेलन शुरू होगा दिल्ली के अंदर पार्टी के लिहाज से हमने 14 जिले बनाए हुए संगठनात्मक आधार पर, हर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र आती है। तो 11 तारीख से इन 14 जिला सम्मेलनों का आयोजन शुरू होगा। इस जिला सम्मेलन में पदाधिकारियों को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी संबोधित करेंगे, उनके साथ साथ पार्टी के और लीडर मौजूद रहेंगे। इस जिला सम्मेलन में सभी पदाधिकारियों को बूथ स्तर के, मंडल स्तर के, वार्ड स्तर के, विधानसभा स्तर के जितने पदाधिकारी हैं उनको शपथ भी दिलाई जाएगी। और इस जिला सम्मेलन में अगले विधानसभा चुनाव में
प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का टारगेट सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जो है वो दिया जाएगा। जो जिला सम्मेलन 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं उसमें 11 नवंबर को 5 बजे नॉर्थ वेस्ट लोकसभा में किराड़ी जिले का सम्मेलन होगा। ये जो सम्मेलन है वो किराड़ी विधानसभा में फौजी वाटिका निठारी पुलिया किराड़ी में ये संपन्न होगा, जिसमें बाकी विधानसभा के पदाधिकारी भी सम्मिलित होंगे। 11 तारीख को ही 7 बजे वेस्ट लोकसभा में तिलक नगर डिस्ट्रिक्ट का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो संपन्न होगा। बारह तारीख को 5 बजे नई दिल्ली लोकसभा में करोल बाग डिस्ट्रिक्ट का जिला सम्मेलन राजेंद्र नगर में किया जाएगा। 12 तारीख को ही 7 बजे से साउथ दिल्ली लोकसभा में संगम बिहार जिले का जिला सम्मेलन संगम बिहार विधानसभा के अंदर आयोजित होगा। फिर 15 तारीख को 5 बजे चांदनी चौक लोकसभा के चांदनी चौक डिस्ट्रिक्ट का जिला सम्मेलन मॉडल टाउन में आयोजित किया जाएगा। 15 तारीख को ही शाम को 7 बजे वेस्ट दिल्ली लोकसभा के नजफगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जिला सम्मेलन मटियाला में संपन्न होगा। 16 तारीख को ईस्ट दिल्ली लोकसभा का 5 बजे पड़पड़गंज डिस्ट्रिक्ट का जिला सम्मेलन त्रिलोकपुरी में आयोजित होगा। 16 तारीख को दूसरा 7 बजे नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में बाबरपुर डिस्ट्रिक्ट का जिला सम्मेलन बाबरपुर बस टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। 18 तारीख को चांदनी चौक लोकसभा में आदर्श नगर डिस्ट्रिक्ट का जिला सम्मेलन वजीरपुर में आयोजित किया जाएगा। 18 तारीख को ही शाम 7 बजे नॉर्थ वेस्ट लोकसभा के अंदर रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का जिला सम्मेलन नरेला में आयोजित किया जाएगा विधानसभा में। 19 तारीख को 5 बजे ईस्ट दिल्ली लोकसभा के सहादरा डिस्ट्रिक्ट का जिला सम्मेलन करकरडूमा सीबीडी ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। 19 तारीख को ही नॉर्थ ईस्ट लोकसभा के करावल नगर डिस्ट्रिक्ट का जिला सम्मेलन घोंडा में विधानसभा के अंदर जो है वो आयोजित किया जाएगा। 20 तारीख को 5 बजे साउथ दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत मेहरौली का जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और 20 तारीख को शाम 7 बजे नई दिल्ली लोकसभा का जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है उसका जो जिला सम्मेलन है वो नई दिल्ली असेंबली में जो है सिविक सेंटर में आयोजित किया जाएगा। तो ये 11 तारीख से जिला सम्मेलन शुरू हम कर रहे हैं। 14 जिला सम्मेलन दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में होंगे जो 20 तारीख को जिसका समापन होगा। हर जिले में 5 विधानसभा हैं जहां के बूथ स्तर के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। लगभग 1,00,000
बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों को इन अलग अलग जिला सम्मेलन में शपथ दिलाया जाएगा और ये पदाधिकारी मिल करके 20 नवंबर के बाद आम आदमी पार्टी के अगले चुनावी अभियान की जिम्मेदारी को संभालेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, ये जो बीजेपी पन्ना प्रमुख, बीजेपी की तैयारियां है, तो आप अल्टरनेटिव कार्ड के लिए इस तरीके से रूपरेखा बना रहे हैं, आगे जाके बनाने वाले हैं? नहीं, उनके कार्ड करने की हमें जरूरत नहीं है। मुकाबला उनसे, हमें जो दिल्ली के अंदर जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया, अरविंद केजरीवाल जी का जो संदेश है, पार्टी का जो मिशन है, उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए ये पूरा अपना संगठनात्मक ढांचा हम रिवाइज कर रहे हैं। पहले भी चुनाव में भी हमने अपने वॉलेंटियर्स के दम पे, कार्यकर्ताओं के दम पे लगातार दिल्ली के अंदर सरकार बनाई है और सरकार बना करके हमने काम करके दिखाया है। आज की तारीख में भी इतनी तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने जितना काम किया, पूरे देश में कोई भी सरकार नहीं है जिसने इसका आधा भी काम किया। तो इस संदेश को लेकर के हम हर घर तक पहुंचने के लिए ये अपने वॉलेंटियर्स की जो पूरी फोर्स है उसको तैयार कर रहे हैं और जो जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली है उन लोगों को इस जिला सम्मेलन में शपथ दिलाई जाएगी। जो मंडल स्तर के हमारे पदाधिकारी हैं उन लोगों को पहचान पत्र दिया जाएगा, उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और फिर ये सब लोगों के नेतृत्व में जो ग्राउंड की लड़ाई है उसको जो है हम आगे बढ़ाएंगे। सर, कोई टारगेट रखा गया है कि कितने बंदे रहे हैं? क्योंकि ये जो सवाल था इसका एक और, आप लोग करते रहे, कितने आपके बूथ के जो अध्यक्ष हैं, इंचार्ज जिन्हें कहते हैं आप, बूथ, क्योंकि आप बूथ के जरिए लड़ते हैं, कितने बूथ के जरिए और मंडल कितने बनाए गए हैं, थोड़ी सी उसकी जानकारी अगर आप दें। देखिए, अभी तक जो हमारे जो मंडल ऑफिस बियरर हैं वो जो बन चुके हैं वो 10,078 ये मंडल हमारे जो पदाधिकारी हैं। जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं और बूथ के वॉलेंटियर हैं उनकी संख्या जो है अभी तक जो नियुक्त हो चुके हैं वो 44,821 है। सर, कोई टारगेट रखा है कि नए लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए या जो शपथ लेंगे 1,00,000, ये पहले से हैं या कुछ नए भी जुड़ रहे हैं? ये अभी जैसा मैंने कहा कि ये अब तक जिन लोगों ने जिम्मेदारियां ली हैं, जैसा मैंने बताया आपको, आपके विधायक आपके द्वार के बाद अभी जो हमारा संगठनात्मक काम चल रहा था हर बूथ पे बैठक का, तो हर बूथ पे हमने बैठक किया, उसमें जिन लोगों ने वॉलेंटियर करने के लिए अपना नाम अभी इस चुनाव के लिए लिखाया, नए लोग हैं सर? नए लोग, ये सारा अभी हुआ लास्ट मंथ में। तो जिन लोगों ने अभी इस नेक्स्ट इलेक्शन के लिए समय देने के लिए जो लोग तैयार हुए हैं उनको अभी इस जिला सम्मेलन में हम लोग शपथ दिला करके और फिर ये इनको हम जिम्मेदारी सौंपेंगे। तो कह सकते हो 1,00,000 नए हैं? हाँ, ये सारे जितने पदाधिकारी बने हैं, मतलब उसमें पुराने भी रहे लेकिन ये सारी जिम्मेदारियां नहीं दी गई जो इस चुनाव के लिए समय देने के तैयार है। सर, बूथ जो है, बूथ की संख्या दिल्ली में आपकी लगभग 14,000 के करीब? 14,000 के लगभग। को लेकर के नहीं, ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी का टकराव नहीं है, ये पूर्वांचल के लोगों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो नफरत है,
उसकी अभिव्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को पचा नहीं पा रही है कि जिस दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्वांचल के लोगों को लेकर के नफरती बयान देते थे, आज उसी दिल्ली में 1000 से ज्यादा जगहों पर धूमधाम से छठ पूजा मनाने की तैयारी चल रही है। और कल जो छठ पूजा में अर्घ देने का जो उत्सव होता है सूर्य देवता को, वो धूमधाम से मनाया जाएगा। ये बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दिख रही है। सर, पूर्वांचल की सड़कों की लगा जाती है, शारदा सिन्हा जी का देहांत नहीं, वो काफ़ी दुखद है, क्योंकि खास तौर से पूर्वांचल की संस्कृति को, भोजपुरी को पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में उन्होंने पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। खास तौर से छठ पूजा के दौरान जिस तरह से उनके गीत हर घाट पर बजते रहे हैं, लोग सुनते रहे हैं, तो उनको नमन, उनको श्रद्धांजलि। थैंक यू।